आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राज किरण हूं आपके साथ। और कल पूरे देश ने बड़े ही धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बेहद सराहनीय खबर आई। यहाँ के केंद्रीय जेल से ऐसे 23 बंदी जो कि आजीवन कारावास में सजा काट रहे थे, उनके सहित 3 ऐसे बंदी जो छोटी सजाओं में थे, उनकी रिहाई हुई। ये वो कैदी हैं जिनका जेल में रहते आचरण में सुधार हुआ था। उनको लेकर जेलर ने कहा कि गुनाह करने के बाद इन कैदियों की आज रिहाई हुई है, अब उनके परिवार को चाहिए कि उन्हें संभाले और उन महिलाओं को समाज में बेहतर स्थान देते हुए उनका सम्मान करें। हर साल की तरह इस साल भी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की केंद्रीय जेल से गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गंभीर अपराधों में बंद 24 पुरुष व 2 महिला बंदियों को उनके अच्छे व्यवहार के लिए रिहा किया। साथ ही आपको बताते चलें कि जेल में ही इन बंधुओं को भविष्य में जीविका संचालित करने के उद्देश्य से कई तरह के रोजगार से जुड़े हुनर सिखाए गए। 26 जनवरी के इस राष्ट्रीय पर्व पर राज्य शासन की माफ़ी प्राप्त करके केंद्रीय जेल इंदौर से कुल 23 बंदी जो आजीवन कारावास के हैं और 3 जो छोटी सजाओं के हैं, उनके कुल मिला के 26 बंदियों को आज यहां से रिहा किया जा रहा है। 23 बंदी जो है वो सभी आजीवन कारावास के बंदी हैं, जो कि अलग अलग केसेस में जो है कि जिनसे 302 मृत्यु जैसी घटना, हत्या जैसी घटना जिनसे हुई थी, लेकिन इनका जेल के अंदर उच्च कोटि का अनुशासन और इनका आचरण व्यवहार, इन सब के आधार पर ही जो है कमेटी द्वारा इन्हें पात्र पाया गया और इनका जो है पूरी फाइल बना करके शासन के पास भेजी गई कि इनमें जो है उचित रूप से इनमें सुधार भी है और इन्होंने माफ़ी प्राप्त करी है और इनकी सजा की भी अवधि पूर्ण हो गई, तो शासन ने विचार करके ऐसे लोगों को आज रिहाई के लिए पात्र पाया है। वो भी आज रिहा होकर के अपने घर जा रही हैं। ये बात सही है कि जब एक पुरुष जेल में रहता है तो एक व्यक्ति ही बस है, लेकिन जब एक महिला है तो उसका पूरा परिवार वहाँ पे बिखर जाता है। तो आज ऐसी 2 महिलाएं एक लंबे समय के बाद 20 सालों के बाद अपने घर पहुँचेंगी और मेरा आग्रह है कि उनका परिवार उन्हें संभाले, उनको अपना जो जितना मनोबल के साथ उनको जो है एक केयर दे, क्योंकि एक लंबी अवधि उन्होंने जेल में निकाली है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।